हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. सो चलो फिर आज हमारी फिर से वही है idioms एंड फ्रेजेस जो रिपीटेड होती है मैं वही कराती हूँ. और आप लोग ये कंफ्यूज क्यों हो जाते हो कि ये प्रीवियस ईयर की ही idioms है, डोंट वरी, सब कुछ प्रीवियस ईयर से कवर होता है और मैं मोस्ट रिपीटेड idioms ही करा रही हूँ. आराम से करते रहिए, ठीक है. तो यहाँ पे पहली idiom है, पहले शेयर कर दो आप और लाइक, प्लीज लाइक दिस वीडियो. फर्स्ट है हमारा सोइंग वाइल्ड ओट्स. फर्स्ट idiom है sowing wild oats. इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम यंग एज में होते हैं हमें क्या चाहिए, हमें प्लेजर चाहिए. उस प्लेजर के चक्कर में जो हमसे मिस्टेक हो जाती है, दैट इज sowing wild oats. यानी हम इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते हैं, हम अपनी खुशी के लिए कुछ हदें पार कर देते हैं, दैट इज sowing wild oats. यानी कैसा प्लेजर है इरेस्पॉन्सिबल, जो कि यंग एज में हम प्लेजर अपना एंजॉय करते हैं और उसमें जो हमसे मिस्टेक हो जाती है, दैट इज सोइंग वाइल्ड ओट्स. मीनिंग क्या हुआ, इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, सीकिंग इन यंग एज. अब इसको याद कैसे करना, देखो वाइल्ड है, वाइल्ड यंग लोग कैसे होते हैं, वाइल्ड होते हैं और इसके चक्कर में क्या कर देते हैं, वो मिस्टेक्स कर देते हैं, वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं, दैट इज सोइंग वाइल्ड ओट्स. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैक वाज आउट सोइंग वाइल्ड हिज वाइल्ड ओट्स लास्ट नाइट एंड ही इज डेयर इन द मॉर्निंग. यानी क्या कह रहा है, लास्ट नाइट क्या कर रहा था, सोइंग वाइल्ड ओट्स और सुबह क्या हो गई, उसको जेल हो गई, दैट इज sowing wild oats. यानी irresponsible pleasure seeking in young age. Next पे चलते हैं. Next है हमारे यहाँ पे cannot hold a candle to, cannot hold a candle to. यानी क्या है कि candle नहीं पकड़ सकते, अरे पकड़ सकते हैं बट कई लोगों को डर लगता है कैंडल पकड़ते वक्त. लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू का मीनिंग है कि आप उस पर्सन को दूसरी चीज से या किसी भी चीज को दूसरी चीज से क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो अनकंपेयरेबल है, उसका कोई रिलेशन नहीं है किसी और से. यानी कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू, कैंडल हम लेके जाएंगे तो कैसे उसमें रोशनी आ जाती है ना चारों तरफ, तो रोशनी से सब कुछ क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, इसमें कंपैरिजन नहीं होगा. तो cannot hold a candle to का मीनिंग क्या है, cannot be compared to, यानी उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते. एग्जाम्पल देखो, जेम्स इज गुड एट ड्रॉइंग बट ही cannot hold a candle to कैंडी. यानी क्या कर रहे हैं कि वो जेम्स की जो ड्राइंग है वो अच्छी है बट ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू जो भी है यहाँ पे नाम किंडी. यानी उससे क्या है, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू मींस कैन नॉट बी कंपेयर टू. ठीक है, अब हमारे अंदर कोई क्वालिटी है और उसको हम दूसरे से कंपेयर करने लग जाए, दैट वो तो कंपेरिजन हो जाएगा, सिमिलर चीजों में कंपेरिजन हो जाएगा, लेकिन कैंडल cannot hold a candle to का मीनिंग क्या है, वो चीज जिसको आप कंपेयर ना कर सके. नेक्स्ट पे चलते हैं, struck a chill to the heart, struck a chill to the heart. यानी क्या है, दिल कांप रहा है, कांप क्यों रहा है, ठंडा पड़ गया वो. यानी क्या है कि बहुत ज्यादा डर लग रहा है, यानी बहुत डर गए हो आप, आपका दिल कांपने लग गया, आपको बहुत ठंडी लग रही है, दैट इज स्ट्रक अ चिल टू द हर्ट. मीन्स क्या हुआ कि जो फियर है, अंदर का डर है, वो एकदम से बाहर आ गया, दैट इज अराउज फियर, अराउज फियर. या हम बोल सकते हैं टू मेक समबडी फ्राइटेंड, किसी को डरा देना या फिर खुद डर जाना, फ्राइटन. ठीक है, तो स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट क्या है, हमारा दिल क्या है, कांपने लग गया, दिल ठंडा पड़ गया, क्योंकि हमें क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, दैट इज अराउज फियर. एग्जाम्पल देखो, द रिसेंट एपिडेमिक हैज स्ट्रक अ फियर इनटू पीपल्स हर्ट अराउंड द वर्ल्ड. एपिडेमिक क्या होती है, महामारी. यानी उस एपिडेमिक ने क्या कर दिया, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, उसने क्या कर दिया, लोगों के दिल में
उन डर पैदा कर दिया. आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लोगों के दिल में क्या हो गया, डर पैदा हो गया. अब उनका दिल कांप रहा है, बहुत ठंडक पहुंच गई है. यानी क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है. ठंड के मारे हम कांपते हैं ना, ऐसे ही हम डर के मारे भी कांपते हैं. नेक्स्ट है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी क्या कर रहे हैं हम, कैट को बैग से निकाल रहे हैं. पर बैग को क्या होता है, कैट को उसमें से हमने निकाल लिया. यानी क्या हो रहा है, हम हमारा एक सीक्रेट था और वो क्या निकल गया, वो बाहर निकल गया. लेकिन हमारे कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि मान लो हम सरप्राइज प्लान कर रहे हो और थोड़ी सी हिंट उसको सामने वाले को हो जाए जिसके लिए सरप्राइज प्लान किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. यानी आप नहीं चाहते थे कि वो चीज बताई जाए, लेकिन वो अनइंटेंशनली क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए. तो बैग से जो कैट है वो बाहर निकल गई है. यानी जो सीक्रेट है वो केयरलेसली बाय मिस्टेक वो बाहर निकल चुका है. यानी टू अटर अ सीक्रेट, टू अटर अ सीक्रेट बाय मिस्टेक. यानी बताना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जो बिल्ली है वो भाग भाग के बैग से बाहर निकल गई. यानी क्या हो गया, सीक्रेट बता दिया, सीक्रेट को अटर कर दिया, यानी आपके मुंह से वो निकल जाएगा. एग्जाम्पल देखो, हाउ डिड मॉम फाइंड आउट वी वर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर, हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. यानी मम्मी को कैसे पता चला कि हम उनके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, किसने क्या किया, हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. यानी किसने अटर कर दिया सीक्रेट को, किसने रिवील कर दिया, दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. नेक्स्ट है यहां पे बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू, हां जी, बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग क्या है, जैसे हमारे पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर फ्लाई करते हैं, तो उनको जो नीचे का सीन है वो ऊपर से क्लियर दिखता है. इतना क्लियर नहीं, बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं ना वो, नीचे क्या कुछ हो रहा है. मान लो आप एक कैंपस की छत के ऊपर खड़े हो, तो वहां से उस कैंपस का पूरा क्या दिख रहा है, एक ओवरव्यू. वो क्या होगा, हमारा बर्ड्स आई व्यू. यानी हमें एक कंप्लीट पूरा ओवरव्यू दिख रहा है, वहां से सब कुछ दिख रहा है. तो बर्ड भी ऊपर होती है और वो सब कुछ क्या देख लेती है, नीचे की पूरी सराउंडिंग्स देख लेती है, सब कुछ देख लेती है. दैट इज बर्ड्स आई व्यू, यानी ओवरव्यू. ओवरव्यू, और वी कैन से अ जर्नल व्यू. अ जर्नल व्यू, that is a overview or general view. Example, like, from up here you can get a bird's eye view of the entire campus. यानी एक ऐसी location है जहां से क्या दिख जाए, उस पूरे campus का entire view दिख जाए, यानी पूरा का पूरा campus दिख जाएगा तुम्हें यहां से. यानी वो क्या है, एक bird's eye view है, पूरा overview दिख जाएगा. Next है on the horns of Jalima. On the horns of Nilima. Nilima क्या होता है, वो प्रॉब्लम, मतलब क्या होती है, दुविधा. दुविधा क्या होती है, हमारी डलीमा. यानी क्या है कि आप ऐसे संकट में फंस गए हो, या हाँ करो तो पछताओगे, ना करो तो पछताओगे. यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डिसीजन नहीं ले सकते. यानी इन अ सिचुएशन वेर यू हैव टू मेक चॉइस बिटवीन द टू थिंग्स दैट आर इक्वली अनप्लीजेंट. यानी तुम दो चीजें होंगी, दोनों ही आपके लिए अच्छी नहीं है, और उन दोनों चीजों के बीच में क्या करना है, डिसाइड करना है. दैट इज ऑन द horns ऑफ Nilima. अब देखो, horns क्या होते हैं, सींग होते हैं. सींग क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं. तो दो प्रॉब्लम होंगी आपके पास, एक नहीं दो ऐसे सिचुएशन होंगे, और दोनों कैसी होंगी, अनप्लीजेंट. दोनों सिचुएशन कैसी होंगी, अनप्लीजेंट सिचुएशन होंगी, दैट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड. तो दोनों सिचुएशन कैसी है, अनप्लीजेंट है, और जिसमें क्या कर रहे हो, आपको एक हार्ड चॉइस करनी है. यू हैव टू मेक चॉइस बिटवीन टू थिंग्स दैट आर इक्वली अनप्लीजेंट. यानी टू मेक चॉइस बिटवीन टू थिंग्स दैट आर इक्वली अनप्लीजेंट. यानी दोनों कैसी है, दोनों ही सिचुएशन बुरी है, और आपको उसमें डिसाइड करना है. तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है. एग्जाम्पल देखो, व्हेन शालूज फ्रेंड रिक्वेस्टेड हर फॉर अ लोन, शी फाउंड हर सेल्फ ऑन द होर्न्स ऑफ Nilima
as she could neither refuse nor accede to the request. यानी जब उसके फ्रेंड का कॉल आता है उसके पास, उसको वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे लोन चाहिए. तो शालू किस सिचुएशन में थी? ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा. या तो नहीं तो वो रिफ्यूज कर सकती थी ना एसीड कर सकती थी. एसीड का मतलब क्या होता है? कि मान जाना, दैट इज एसीड. यानी वो ना तो उसे हाँ कर सकती थी ना उसे वो ना कर सकती थी. तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है अंडर द थंब ऑफ. Under the thumb of, thumb के नीचे है, that is under the thumb. Under the thumb है यानी आप किसी चीज के, आपको कोई control कर रहा है, यानी कोई person है जिसके thumb के नीचे हो आप, यानी under the control of, यानी आपको कोई चलाने वाला है. Under the thumb of, thumb से तो पक्का याद हो जाएगा ना, thumb के नीचे है, यानी क्या है? Under the control of, under the control of, मतलब पूरे कंट्रोल में हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जहां बैठा दिया आप वहीं बैठोगे. आप किसके नीचे हो? अंडर द थंब हो, यानी क्या हो? अंडर द कंट्रोल. एग्जाम्पल देखो, ऑल दो द जॉब पेड वेल आई कुडंट स्टैंड द वे आई वॉज अंडर द बॉब सॉरी बॉस थंब्स. यानी क्या है? जॉब की अच्छी सैलरी मिल रही है लेकिन फिर भी मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता बिकॉज आई एम अंडर द थंब ऑफ बॉस. यानी वो क्या है? बॉस के थंब के नीचे है, यानी बॉस उसे कंट्रोल कर रहा है. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट idiom तो सीधी सी है, आसान सी, एज हार्ड एज नेल. यानी जितना नेल स्ट्रोंग है ना, जितना हार्ड है वो उतना ही हार्ड है सामने वाला. यानी उसको चाहे कुछ बोलो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहे आप कुछ भी सुनाते रहो उसके अंदर इमोशन ही नहीं है. वो कितना हार्ड है? एज हार्ड एज नेल, यानी इमोशनलेस पर्सन. इमोशनलेस वो क्या होगा? इमोशनलेस, उसके अंदर काइंड नियर कुछ भी फियर काइंडनेस कुछ भी फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर. सब कुछ क्या है? इमोशनलेस. क्यों है? वो हार्ड की नेल की तरह क्या है? पूरा हार्ड है. दैट इज एज हार्ड एज नेल, यानी इमोशनलेस. एग्जाम्पल देखो, आई एम स्क्रेड ऑफ दोज बाइकर्स दे ऑल लुक लाइक दे एज हार्ड एज नेल. यानी कई लोग बाइक राइडर्स होते हैं ना, बड़ी जोर से चला के लेके जाते हैं, तो वो उनको देख के कैसा लगता है? वो क्या होंगे? एज हार्ड एज नेल, यानी उनमें क्या नहीं है? इमोशंस. इतनी मतलब इतनी शांत सी जगह होती है और वहां से वो भाग के बाइक ले जाते हैं, दैट इज एज हार्ड एज नेल. यानी उनको देख के क्या लगता है? डर जाते हैं. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट. लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, यानी क्या है? आप खाली बैठे हो, कुछ काम नहीं आपके पास, इतने खाली बैठे हो कि आपके पैर के नीचे से भी घास उगने लग गई है. मतलब क्या हुआ कि क्या कर रहे हो? चीजों में अगर कोई काम करना है उसको क्या करते जा रहे हो? डिले करते जा रहे हो, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्ट नहीं कर रहे हो चीजों को. और प्रोकास्टिनेशन हमने वर्ड पढ़ा था, प्रोकास्टिनेशन का मीनिंग क्या होता है? क्या कर रहे हैं हम? उसको डिले कर रहे हैं काम को. तो डिले इन गेटिंग थिंग्स का मतलब क्या होगा? लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट. ठीक है, तो मीनिंग क्या है? डिले इन गेटिंग थिंग्स डन. डिले इन गेटिंग थिंग्स डन मतलब चीज पूरी हो सकती है बट उसके बाद भी क्या कर रहे हैं हम? डिले कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखो, ही हैज नेवर बीन वन टू द लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट. यानी वो ऐसा पर्सन रहा ही नहीं कि इतना आराम से बैठ जाए कि उसके फीट से ही क्या ग्रो होने लग जाए, ग्रास ग्रो होने लग जाए. यानी क्या, वो इतनी चीजों को डिले ही नहीं करता. दैट इज लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट. ओके, नेक्स्ट लास्ट idiom है गेट डाउन टू बिजनेस. गेट डाउन टू बिजनेस मतलब बिजनेस में नीचे जाना. अब बिजनेस नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है? हमें सीरियसली एक्ट करने की जरूरत है. हम बिजनेस को नीचे छोड़ देंगे, यानी क्या कर रहे हैं? अब जो काम करना है वो कैसे करना है? टू बिगिन वर्क सीरियसली, अब हमें सीरियसली परफॉर्म करना है, जो भी काम करना है वो अच्छे से करना है.
यानी टू स्टार्ट द वर्क दैट हैज टू बी डन टू बिगिन वर्क सीरियसली टू बिगिन वर्क सीरियसली सीरियसली करना ही करना है ठीक है दैट इज टू गेट डाउन द बिजनेस अब सीरियल करना है ना सीरियसली करना है तो क्या करेंगे हम गेट डाउन टू बिजनेस अच्छे से करेंगे वर्क क्या करेंगे हम सीरियसली परफॉर्म करेंगे ताकि सीजीएल क्रैक हो जाए एग्जाम्पल देखो बी प्रिपेयर टू रोल अप योर स्लीव्स एंड गेट डाउन टू बिजनेस यानी अपने स्लीव्स को प्रिपेयर कर लो रोल अप कर लो क्योंकि अब क्या करना है हमें क्या करना है गो डाउन टू बिजनेस हमें अच्छे से सीरियसली वर्क करना है सो गाइज ये थी आज की वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टिल देन चलो कल मिलते हैं बाय बाय